लाजवाब रोना आ गया, इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है शाहरुख खान ने, पूरी मूवी लाजवाब है, सब फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ देगी। मर्द को दर्द नहीं होता बाकी दर्द होता है। आँख में आंसू नहीं आता ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, 3-4 टाइम तो आपके आँख में आंसू आना ही आना कन्फर्म है। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो था वो तो गया, तुझे देखा तो ये जाना सनम, रोता है दीवारा सनम। गाना बहुत अच्छा है वो, चल बेवतना फिर मिलेंगे बैठ के लंबी बात करेंगे, वो काफी अच्छा था। फिर जो दूसरा गाना एक और था, निकले थे कभी हम घर से पर घर दिल से कभी नहीं निकला, काफी अच्छा। बंदा रो गया, हमारा जो रुमाल है वो बिक चुका है आज के डेट में, रुमाल हमारा बिक चुका है, इसको सुखाएंगे वापस मूवी देखेंगे फिर रोएंगे फिर रुमाल बिक जाएगा, काफी अच्छी मूवी है। शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म डंकी रिलीज हो चुकी है और साल 2023 की तीसरी फिल्म है, आखिरी फिल्म है, और ऐसे में देख सकते हैं कि लोग आ रहे, कैसी लगी? अच्छी थी, इट्स नाइस। जी बहुत अच्छा फिल्म है, ये एक ऐसी फिल्म है कि चार गरीब बच्चे होते हैं पंजाबी, उनका सपना होता है लंदन जाने का, लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिलता क्योंकि इंग्लिश नहीं आती है, और इसी पर फिल्म है, वो इलीगली जाते हैं जिसको डंकी कहा जाता है, और एक्टिंग बहुत अच्छा है, आपको फर्स्ट हाफ में इमोशन बहुत अच्छा मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड हाफ में इमोशन है, फर्स्ट हाफ में बहुत कॉमेडी मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त मूवी है, देख सकते हैं लोगों में इमोशनल मूवी, 10/10 फिल्म का 10/10 इमोशन, बेहतरीन इमोशन, रोना आ गया, लाजवाब रोना आ गया, इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है शाहरुख खान ने, पूरी मूवी लाजवाब है, सब फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ देगी। क्या दिया 10 में से 10? 10 में से 11 बेस्ट मूवी। गाना कौन सा? गाना पहले वाले गाने सब अच्छे थे, हिरानी की मूवी है एकदम बेस्ट, एकदम बेस्ट, बहुत बढ़िया मूवी, बहुत अच्छी थी। हम जाके पिटीशन फाइल करेंगे शाहरुख खान को भारत रत्न अवार्ड दिया जाए, भारत रत्न अवार्ड दिया जाए इस फिल्म के लिए, इसमें डायलॉग पूरी स्टोरी अच्छी है, पूरी की पूरी स्टोरी है भारत पे बनी हुई है, मूवी बेस्ट ऑलवेज है सर, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, चाहिए आंसू रुक नहीं रहे हैं मेरे, इतनी अच्छी मूवी है, सो मैनी इमोशनल, अभी भी रो रहे हैं, क्या इमोशन ही इतना है, कॉमेडी भी है, डायलॉग भी सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छी मूवी लगी है, और हम तो कहेंगे कि एक बार आप लोग भी थोड़ा टाइम निकाल कर, सुना रहे थे वो मेरे को पता है डायलॉग, मर्द को दर्द नहीं होता बाकी दर्द होता है, दर्द होता है, गाना तो सभी अच्छे लग रहे हैं, अब ये गाना कौन सुनाने का तो उतना नहीं है, बाकी फिर भी थोड़ा गाना बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ दो लाइन पटक पटक मटक मटक, बहुत अच्छी लगी मूवी, और ये फैमिली के बारे में था, ऑसम मूवी एंड गुड, ऑसम मूवी, ऑसम। डायलॉग्स कौन सा अच्छा लगा? इंग्लिश वाला खराटेदार, और गाने कौन से अच्छे? ओ माय बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी, स्टोरी लाइन बहुत अच्छा है, और जिस लेवल का स्टोरी राइटिंग है उस हिसाब से शाहरुख खान ने एक्टिंग करके उस पूरी पिक्चर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया है। हाँ गाना वो घर वापस आ गए जो सोनू निगम का जो गाना है जो जिससे जावेद अख्तर ने लिखा है वो बहुत अच्छा गाना लगा। तापसी और विकी कौशल, विकी कौशल जी का तो कैमियो था पर तापसी पन्नू भी इक्वली मैच कर रही थी इमोशन लेवल जो स्टोरी का डिमांड। जब भी शाहरुख खान की फिल्म रिलीज होती है तो उनके फैंस के लिए किसी सेलिब्रेशन से किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता है, तो कितने बड़े फैन है आप लोग शाहरुख खान? बस आप खुद देख ही रहे हैं कितने बड़े फैन है, आई ऑलवेज शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन है जी, जी अक्सर मैं खास उनके लिए फिल्म देखता हूँ। एक्सीलेंट जी बिल्कुल, बहुत प्यारा रोल किया है लोग जी, अभी मैं बहुत इमोशनल हूँ जी, उनके गाना भी मुझे नहीं याद आ रही है जी, फिल्म बहुत मतलब मस्त है, मतलब फ्यूचर पर फिल्म है, हाथों में ये लेकर के आए हर फिल्म उनकी इसी तरीके से देखने के लिए जी, अक्सर मैं पठान भी देखा था, जवान भी देखा था, और डंकी भी मैंने देखा जी, अंदर से भावुक हूँ, मतलब कि फिल्म देखकर मैं नर्वस हूँ कि मतलब कि फ्यूचर पर किसी स्टूडेंट पर मतलब कि फिल्म है, किसी के लाइफ बनाने पर फिल्म है, कि मतलब अक्सर लोग धोखे में कहाँ से कहाँ जाते हैं, और उसको मतलब दिमाग खोलने के लिए उस पर फिल्म शाहरुख सर ने बनाया है। इस वक्त आप देख सकते हैं
ये जितने भी लोग हैं अपने हाथों पर गाल पे सबके डंकी लिखा हुआ है, तो कैसा लग रहा है? शाहरुख खान की फिल्म तीसरी फिल्म इस साल रिलीज हुई है और ऐसे में आप लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और बहुत ही इमोशनल मूवी है और शाहरुख सर का विजन है और राजू रानी का मैजिक है और ब्लॉकबस्टर है। शाहरुख खान के लिए आप लोग एक बार में क्या कहना चाहेंगे सभी लोग साथ? शाहरुख खान लास्ट ऑफ द स्टार है, शाहरुख खान लास्ट ऑफ द स्टार है, शाहरुख खान बस वो एक स्टार है, ही इज ओनली वन। एसआरके की फिल्म देख करके जोश कितना हाई है आप? जोश तो बहुत हाई है, इमोशन में हम लोग थोड़ा सदमे में, बहुत ज़्यादा मस्त मूवी है। अगर आप नहीं देखिए, अगर देखिएगा, अगर आँख में आंसू नहीं आता ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तीन चार टाइम तो आपके आँख में आंसू आना ही आना कन्फर्म है। बहुत ज़बरदस्त मूवी है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत फैमिली एंटरटेनर है और सारे लोग देखने चाहिए, क्रिसमस का मौका। घर से बाहर रह रहे हैं ना उन लोग के लिए तो मूवी मतलब उन्हीं लोग पे ही है कि घर से बाहर क्या स्ट्रगल होता है, कैसे वो लोग हैंडल करते हैं सब चीज़ अकेले बाहर घर से, घर पे जैसे घर वाला फैमिली कोई होता नहीं है, उसी सब स्ट्रगल को दिखाया गया है। बहुत अच्छी फिल्म है, मुझे बहुत बड़े वाले फैन है आप। जी जी कह सकते हैं, सिर्फ एसआरके फैन नहीं, न्यूट्रल ऑडियंस भी देखिए भरे हुए हैं, सिर्फ एसआरके की बात नहीं है, सारे न्यूट्रल ऑडियंस सारे भरे हुए हैं, तो अच्छा एक फेस्टिवल का सा माहौल है। यहाँ पर लाइनें दिखाई दे रही हैं, लड़कियाँ भी खास कर देखिए, लड़कियाँ फैन होती है शाहरुख खान की। शाहरुख खान की फिल्म देखिएगा? यस मैम, शाहरुख की फिल्म क्योंकि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं स्पेशली शाहरुख को ही देखने आई हूँ क्योंकि उसकी हर मूवी मैंने नहीं छोड़ी, कोई भी नहीं छोड़ी, सारी फर्स्ट डे फर्स्ट वही देखी है। अच्छा फर्स्ट डे फर्स्ट शो सारी मूवी देखी है। तो कोई भी शाहरुख खान के फिल्म का डायलॉग या गाना आप सुना? कुछ कुछ होता है सिर्फ तुम नहीं समझोगी। चलिए आप भी शाहरुख खान की फैन हैं? मैं फर्स्ट डे आया। और कोई गाना? यस तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो था वो तो गया। चलिए कितने एक्साइटेड है आप लोग फिल्म देखने? काफी। शाहरुख के फैन? एग्जैक्टली। अच्छा तो मूवी में विकी कौशल है, तापसी पन्नू है, शाहरुख खान है, किसको देखने के लिए आई? एसआरके। एसआरके कितने एक्साइटेड है फिल्म? बहुत ज्यादा। कॉलेज बंक करके आए और कितने एक्साइटेड होंगे? कॉलेज बंक करके आएंगे शाहरुख के फिल्म देखने। इसका ऑनलाइन है, निकाल के रखिए, यहां मत निकालिए। शाहरुख की फिल्म देखने आई है मैम? बिल्कुल बिल्कुल। फैन है उनकी? बिल्कुल। हिरानी की भी? रानी की जी, दोनों की। तो हर फिल्म में आती है शाहरुख खान की, तो हर फिल्म देखती हूँ? 90% देखती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए कितनी एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा। देख लो सेकंड शो, फर्स्ट शो नहीं मिला तो सेकंड शो में आई। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बताऊँगी अच्छे से ये कैसी मूवी है, अभी तो कुछ बता दें। शाहरुख की फैन? बहुत बड़ी फैन हूँ मैं। बहुत बड़ी फैन। डंकी एंड सुपर डुपर हिट फिल्म होगा। हाँ बस डंकी और डंकी चलेगा अभी। और जवान और पठान? हाँ जवान पठान ब्लॉकबस्टर हो गई, ज्यादा होगा। हाँ ज्यादा जाएगा। शाहरुख खान का कोई डायलॉग या फिर बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है? तुझे देखा तो ये जाना सनम, रोता है दीवारा सनम। चलिए तो देखिए लोगों में काफी ज्यादा जोश आई है, लोगों का काफी एक्साइटमेंट है। और डंकी शाहरुख खान? शाहरुख खान ठीक है, बहुत एक्साइटेड। शाहरुख खान? थैंक यू मैम। वो बहुत अच्छी मूवी है, मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख चुके हैं हम, इतनी अच्छी लगी कि हम सेकंड शो के लिए वापस जा रहे हैं। काफ़ी अच्छे मूवी में डायलॉग्स, अच्छे अच्छे गाने, तो काफ़ी इमोशनल, काफ़ी आगे आप बढ़ जाओ भाई, काफ़ी वो मूवी के साथ साथ चलते हैं और लास्ट में मूवी काफ़ी रुलाती है। मेरा जो वो था रुमाल लेके आए थे वो भी इतना इमोशनल था। अभी हमको दोबारा देखना है, अभी तो जाएंगे तो कल फैमिली के साथ आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी मूवी लगी। हाँ बिल्कुल, ये काफ़ी दिन से बॉलीवुड में फैमिली एंटरटेनर आई नहीं थी, जैसे एनिमल आई वो फैमिली एंटरटेनर नहीं थी, उससे पहले भी टाइगर थ्री वगैरह जो भी मूवीज़ आई वो फैमिली एंटरटेनर नहीं थी, एक्शन था। इसमें एक्शन कुछ नहीं है, थोड़ा सा है, हाँ थोड़ा सा एक्शन है, बट इसमें कहानी काफ़ी अच्छी है काफ़ी, और हिरानी का अपना जैसा उनकी मूवी बनाते हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो होपफुली चलेगी। हम तभी दोबारा जा रहे हैं, एक बार देख चुके फर्स्ट शो, अब सेकंड शो जाएंगे। गाना कौन सा अच्छा लगा? गाना बहुत अच्छा है वो, चल बेवतना फिर मिलेंगे बैठ के लंबी बात करेंगे, वो काफ़ी अच्छा था। फिर जो दूसरा गाना एक और था, निकले थे कभी हम घर से पर घर दिल से कभी नहीं निकला, काफ़ी अच्छा एकदम, मतलब कि बंदा रो गया। हमारा जो रुमाल है वो बिक चुका है, आज के डेट में रुमाल हमारा बिक चुका है, इसको सुखाएंगे, वापस मूवी देखेंगे, रोएंगे, फिर
रुमाल भीग जाएगा। काफ़ी अच्छी मूवी है, थैंक यू। देखिए लोग जो हैं वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर जो लोग निकल रहे हैं उनको काफ़ी फिल्म अच्छी लगी। सर कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी है, मतलब फुल ऑन पैसा वसूल मूवी है और फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है जी। राजकुमार हिरानी मास्टरपीस, हाँ मास्टरपीस है। यस, शाहरुख की एक्टिंग और एज यूजुअल जैसे वो करते हैं, इतना इमोशनल एक्टिंग, इतना कॉमेडी, हर तरह का वो चीज़ कर सकते हैं, हर तरह का। आइए सर। ऑसम ऑसम, उनकी एक्टिंग के बारे में बात करना हम लोगों के लेवल की बात नहीं है। वो बहुत बड़े लेवल के एक्टर है और इतने अच्छे एक्टर हैं तभी तो वो 35 साल से राज कर रहे हैं बॉलीवुड के ऊपर जी। बहुत अच्छी। इसके अलावा फिल्म के जो डायलॉग हैं, स्टोरी लाइन है या फिर गाने हैं वो कैसे? बहुत अच्छा वर्क किया गया डायलॉग के ऊपर। और देखिए सबसे अच्छी बात राजू हिरानी की ये होती है कि हर एक सीन में या तो कॉमेडी मिलेगी या एंटरटेनमेंट होगा या कुछ मैसेज होगा। तो इस मूवी से ये मैसेज जाता है कि आप अपने घर को, अपने वतन को, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को छोड़ के वैसी जगह पे मत जाइए जो परदेश है। अल्टीमेटली आप वहाँ भी जाएंगे तो आपको वो सब याद आने वाला है। अच्छा, तो ये एक मैसेज है। का कोई डायलॉग या फिर गाना जो आप लोगों को बहुत अच्छा? गाना लुटपुट गया तो ऑब्वियस ही बात है, पूरे अभी दुनिया में मतलब वायरल सा हो गया और ट्रेंड कर रहा है। पर चल बेवतना जो गाना जो सिचुएशन था मूवी के अंदर वो मतलब इमोशनल कर दिया। और आप यहाँ पे देखिए जितने आराम से मतलब गूज बम्स तो बहुत छोटी सी बात की, कम से कम फूट फूट के रोने वाले सीन 3-4 हैं। मैं खुद मतलब वैसे बहुत इमोशनल पर्सन हूँ वैसे भी मैं, लेकिन मैंने कम से कम 3-4 सीन में तो रो डाला, मतलब रुला दिया शाहरुख की एक्टिंग ने। वो एक कोर्ट वाला सीन है, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा, जो ऑडियंस आपकी देख रही है उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि मूवी थिएटर में जाके देखें, फैमिली के साथ जाके देखें। आप बच्चों को, अपनी फैमिली में हर किसी को लेके आ सकते हैं, ऐसी साफ सुथरी मूवी है। और मूवी एक अच्छा मैसेज भी देती है प्यार मोहब्बत के, आप अपने रिलेशनशिप को कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हैं इसमें। थैंक यू सो मच। पसंद आ रही है शाहरुख खान की फिल्म और ऐसे में आप देख सकते हैं कि अभी भी जो लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख करके निकले हैं वो लोग भी दूसरा शो देखने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे में शाहरुख खान की डंकी लोगों को इमोशनल कर रही है, लोगों को रुला रही है। थिएटर्स में दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं जो फिल्म देख करके निकल रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की जो फिल्म है डंकी, इसने इमोशनल कर दिया है लोगों को और सुपर डुपर हिट साबित होगी। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।